पाकिस्तान के पूर्व विस्फोटक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने हाल ही में भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था। अफरीदी ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए यूएन संयुक्त राष्ट्र पर चुप रहने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब इस मामले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपना मुंह खोलते हुए अपना रिएक्शन दिया है। विराट ने कही ये बात। अफरीदी के बेटों के बयान को लेकर एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कोहली ने कहा, एक भारतीय होने के नाते आप हमेशा वही कहना पसंद करेंगे जो देश के हित में हो, और मैं भी हमेशा देश हित में सोचता और बोलता हूँ। अगर कोई इसका विरोध करता है तो मैं कभी उसका समर्थन नहीं करूँगा। किसी मुद्दे पर क्या बोलना है ये सबकी अपनी निजी राय है, लेकिन जब तक किसी मामले की मुझे पूरी जानकारी ना हो मैं उस बारे में बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन देश के साथ खड़े रहना हमेशा आपकी प्राथमिकता होती है।